अरे वाह बता, हम ऐसे ये देख ये देख 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 ये कर कर देख रिकॉर्ड कर रिकॉर्ड कर रिकॉर्ड कर भाई, हम लोग जस्ट डिस्कस कर ही रहे थे कि भैया हमें पिछली गेम में हैकर ने क्या ही मारा, और गाइस नेक्स्ट गेम में हमें फिर हैकर भाई सही में। और इस बार तो भैया तुम नाम देख पा रहे हो, मतलब किल फीड चली जा रही है, रुकने का नाम ही ले रही है। उस बंदे ने ना भाई साहब, उस बंदे क्या बोल रहा हूँ भाई, थोड़ा सस्पेंस है लेकिन हाँ जरूर देखना। वो जो हैकर है ना भैया, उनने बाहर के सारे बंदे निपटा दिए हैं, और हमें देखो जब भी पता होता है कि हैकर है सामने, तो मैं ज्यादातर डिसाइड करता हूँ कि भैया चलो चाहते एक कमरे में बैठ जाएंगे, और उसके बाद जैसे हैकर हम पे रश करेगा भाई साहब उसे मिलकर भर देंगे। लेकिन इस बार थोड़ा सा अलग सीन होने वाला है, बिकॉज़ गाइस जाम ये सारी चीजें ना डिस्कस कर ही रहे होते हैं कि चलो आके बैठते हैं कमरे में भैया, इतने में भाई हैकर की एंट्री। दिखा दिखा, अबे ये कहां से घूम रहा है यार, मारो भाई मारो, मार दोगे चारों अलग अलग जगह से गोली चलाओ। आजा आजा आजा, भाई जिस कदर इसकी स्पीड है ना भाई, मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ। बंदा कहाँ जा रहा है और कहाँ से कहाँ जा रहा है, खैर मुझे इतना तो पता है देखो कि स्पीड हैक होगा, बट घर में थोड़ी ना मार लेंगे। लेकिन भाई मैं बिल्कुल गलत हूँ, ये क्या चल रहा है मतलब सही में यार। बट भाई तुम ये देखो, हमें लग रहा था कि एक बंदा हैकर होगा, दो बंदे हैकर होंगे, लेकिन नहीं भाई पूरी की पूरी स्क्वाड ही हैकर है, और वो भी 20-20 केडी या कॉन्करर बैठे हैं बंदे, डोमिनेटर बैठे हैं, और भाई बहुत कुछ। नहीं नहीं ये दो तीन नहीं है, दो ये ऐसा बैठा है वो वाले पांच सारे, और ये तो अलग ही नुबड़ा है, बट ये भी हैकर है। अच्छा हां भाई क्या तेज घूम रहा है फिलहाल, तो मैं सबको एक एक करके देख रहा हूं, कंफर्म कर रहा हूं कि सारी हैकर है ना, थंबनेल बहुत अच्छा बनेगा। और गाइस इतने में देखो भैया कंफर्म हो भी आता है कि सभी हैकर है। ये देखो भाई ये बंदा देखो बिल्डिंग के अंदर जा रहा है बंदे मारने के लिए, और स्पिन अपना स्पीड है कंट्रोल भी नहीं हो रहा है ऐसे भाई। अपने हैकर है ये, नूबड़े नहीं भाई, इनके ट्रिक है भाई, ऐसे मार रहे हैं वो, याद नहीं जो 40-50 वो ऐसे तो मार रहा था। और भाई देखो इसके बस की तो नहीं हुई मारना, लेकिन इसका एक टीममेट आ गया जिसके पास की वॉल हैक था, उसने से वॉल के आर पार ही मार दिया, मतलब सही में गाइस फिलहाल तो यहां पे देखो हम ना बहुत परेशान है। क्या है ट्रेंड चल रहा है भाई, कौन है ये लोग, पूरी स्क्वाड है यही होता है, इसको बच कर खेल रहे पोलियो के दो बूंद लगवाए यार अपने बच्चों को, ऐसे पता है भाई सही में यार सब परेशान। फिलहाल तो गाइस यहाँ पे आओ तुम्हें मेन चीज और दिखा देता हूँ कि यहाँ पे इस स्क्वाड ने पूरी लॉबी खाली कर दी, और बचे थे तीन बंदे, और उनका जो एक नंबर था ना भाई जोन के बाहर देखो क्या घूम रहा है, मतलब आधा मैप तो ये एक सेकंड में खत्म कर रहा है इसी में यार। फिलहाल देखो गाइस यहाँ पे ना भाई साहब जो बचे कुछ तीन बंदे है ना, उन्हें तो ये क्या गलत मारने वाला है, मतलब सही में वो बेचारे गाड़ी से जा रहे होते हैं और उनके बगल से निकलेगा ये, और उन्हें पता तक नहीं चलेगा। फिलहाल देखो भैया देखो हील करते साथ साथ भी कितना तेज भग रहा है, भाई क्या ही बोलू। खैर जो भी गाइस ये भटकते भटकते वापस हाँ पहुंचा बूट कैंप की तरफ, और जैसे यहाँ पे आया भैया बचे कुछ बंदे उसे दिखने वाले हैं। गाड़ी देख के इसको, गाड़ी देख इसकी तो मौत होती, इसकी तो मौत होती गाड़ी के साथ साथ वक्त राइट गार्ड फाड़ दे, इसने गार्ड फाड़ दे बंदे की, वो पाइप पानी में कूदा दी सामने बंदा है। अब अभी के लिए तो भाई साहब बच के जा चुके हैं, लेकिन चादर के लेनी बिकॉज एम4 मिल गई मेरे को। अब कर उन हैकरों के बारे में तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ भाई बहुत ही नेक्स्ट लेवल हैकर बढ़ते जा रहे हैं अब तो। खैर जो भी तक यहाँ पे तुम्हें एक जानकारी मेरे को और देनी है, वो ये कि भाई यार अगर आपको मेरे मोबाइल की गेम पे देखनी है तो आप मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे मैं की स्ट्रीम भी करता हूँ और गाइस अपने मोबाइल की गेम पे अपलोड करने शुरू करूंगा मैं आज से, तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और गाइस अब बढ़ते हैं जॉर्ज पोल में आगे और बंदों की तलाश करने के लिए।
भाई ये फायरिंग साउंड सुन के मैंने अपना जो घर को बदल दिया और मैं चला आया ऊपर टावर पे, बिकॉज नहीं मालूम आगे कितने क्या बंदे हैं। और अभी तुम देखो बंदा मेरे को एक इजी स्पॉट होगा लेकिन मैं उसे नॉक नहीं करूंगा, बिकॉज नहीं मालूम आगे कितने क्या बंदे हैं। और हो सकता है एक नॉक के साथ साथ बाकी के बचे कुछ बंदे इनके टीम के जो बिल्कुल सतर्क हो जाए। और ये तो पता नहीं कौन सी धुन में था, खैर जो भी था यहाँ पे दोनों ही बंदों को निपटा दिया। और उसके बाद इस बॉट को भी और इसी के साथ गई जॉर्ज पुल का सफाया तो कतई इसी तरीके से हमने कर दिया है। अच्छा ठीक है चलो भैया अभी और भी बंदे हैं तो जल्दी से वहां की तरफ चलते हैं गाइस, इससे पहले कि वो बताए हम पे रश करने के लिए। यार डैमेज तो मैंने काफी दिया था लेकिन किल जो है भैया जाएगा टेबल के हिस्से में। बट भाई सही में यार यहाँ तो लगा कि मैं गया काम से, बट यार भाई साहब यहाँ पे नंबर वन का तुम जिगरा देखो, मतलब बिल्कुल ओपन में खड़े होकर उस बंदे को चैलेंज कर रहा है। और गाइस फाइनली भाई जैसे तैसे भैया हमें यहाँ पे बचा लिया है भैया हमारे डेविल ने। और गाइस यहाँ पे एक लाख तो बनता है भाई डेविल के नाम से। वेल तो गाइस अभी यहाँ से लूट वूट करके हम जो निकल लेते हैं वापस से और बंदों की तलाश करने के लिए। और मैं जो यहाँ पे सिटी का चक्कर लाके आ चुका था लेकिन वहां तो कोई नहीं मिला। बट भाई ये बंदा पिस्टल से ट्रोल कर रहा है, नहीं मतलब सही में हद हो गई यार। पहले यार इतना तो पता है भैया ऑब्वियसली यार बॉट तो पिस्टल नहीं चलाते यहाँ तक मैंने देखा है। और गाइस इतना तो समझ में आ चुका है कि सामने जो रियल बंदा है और देखो इसके जो फुटस्टेप ऊपर की तरफ से आ रहे थे तो मैंने कहा रुको यार पांच ग्रेनेड है उनका यूज करा जाए। और बंदा एक ही ग्रेनेड में बूम। और गाइस इसी के साथ इस बंदे को भी कतई इजी तरीके से भर दिया है। कितने मार दिए एक ग्रेनेड से? एक ही मारा है यार ज्यादा नहीं। फिलहाल तो गाइस जो भी था यार यहाँ से निकल लिए फिर से और बंदे को तलाश करने के लिए। और वो देखो भाई साहब अपार्टमेंट आते ही धुआं धुआं हो रखा है भैया मेन बिल्डिंग पे। और देखो बमबारी भी हो रही है तो इतना तो पता है वहां पे दो स्क्वाड तो ऑलरेडी है और हम आए हैं थर्ड स्क्वाड यानी कि थर्ड पार्टी करने के लिए। और गाइस अब देखो यहाँ पे मैं क्या ही करूंगा। भाई सही में यार गलती घुस गया था, मतलब अगर एक आधी एक्स्ट्रा बंदा होता ना तो कसम से मेरी पेटी बनना तय था। बट सही में यार जैसे मैंने सुना ढेर सारे फायरिंग साउंड फिर मैं रहा ही नहीं गया और मैं डायरेक्ट घुस गया बंदों पे और निपटा भी दिया। कहते हैं जोन में ज्यादा बंदे थे नहीं और जैसे ही आया मैं इस तरफ ग्लिसर गया थी मेरे को यहाँ पे स्क्वाड्रन की तरफ एक गाड़ी तो मैं जो अपनी भाई को सीधे वही की तरफ ठोक देता हूँ। और अब तुम स्क्वाड को कमजोर बिल्कुल मत समझना बिकॉज इनने जो टिप्स एंड ट्रिक लगाई है ना मतलब कसम से नेक्स्ट लेवल। अब कैसे वो तुम खुद देखो, यहाँ मुझे एक बंदे का फुट साउंड जो छत्ते की तरफ से आ रहा था मैं सोचता हूँ वहां की तरफ ग्रेनेड करूँ बट अनफॉर्चुनेटली वो जो कवर में था समझ में आ ही रहा था एग्जैक्टली है कहाँ पे तो मैं थोड़ा सा और आगे आया। एंड ये वाला थ्रेबल तो मेरा खाली आ चुका है लेकिन अब जितने भी थ्रेबल फेंकूंगा ना मैं भाई साहब कोई भी खाली नहीं जाने वाला। ऊपर ही बैठा है सांप के साथ। ये रहा मारो उसको, ये रहा मारो मारो यहाँ पे सो रहा मारो। और यार मतलब सही में यार ये स्क्वाड नेक्स्ट लेवल कैंपिंग करके बैठी थी सही में। और ये बंदों को भी भर दिया कती इसी तरीके से। और गाइस अब जोन में रह गया सिर्फ और सिर्फ एक बंदा जिससे कि हम सोचते हैं कि कैसे क्या मारा जाए। और तभी हमें दिख जाता है भैया ये प्लेन दिख जाता है तो मैं और डेविल डिसाइड करते हैं चलो भाई साहब इसे जो उड़ाया जाए। और गाइस इसके बाद तो भाई साहब यहाँ पे देखो वो एक बंदा कहाँ गया हमें फर्क ही नहीं पड़ता, हम बस इसे उड़ा के भैया बंदा ढूंढते हैं कि ऊपर से देखेंगे ऊपर से मारने का ट्राई करेंगे। और देखो भैया एंड में क्या ही होगा लेकिन फिलहाल थोड़ी सी हवाई यात्रा का मजा लिया जाए बिकॉज लास्ट जोन में ऐसे बंदा ढूंढना मतलब ये तो कुछ अलग ही था। अब मैं सही बताऊं तो ये मेरी बेस्ट राइडिंग थी मतलब ग्लाइडर में, इससे पहले मैंने इतना अच्छा कभी नहीं उड़ाया सही में यार। और देखो भाई क्या ही नजारा दिख रहा है, मतलब एक थंबनेल तो इससे निकल सकता है सही में यार। अब फिलहाल सामने की तरफ मेरे को एक ड्रॉप दिखाया तो मुझे लगा बंदा शायद वहां की तरफ हो सकता है बट वहां तो कोई नहीं दिखता है। लेकिन जैसे हल्का सा आगे आऊंगा ना भाई साहब तुम ये देखो भैया स्मोक कर रखा है किसी ने ओपन में। अब भाई इतना समझ में आ चुका है बंदा जो है लगभग उसी डायरेक्शन में होना चाहिए तो वहां की तरफ हम चल पड़ते हैं।
मैं तब से यही तो बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि इतने ऊपर से बंदा रेंडर होगा क्या हमको, आसपास थोड़ी रेंडर होती है भाई। अब तक तो कोई भी रेंडर नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही मैं वापस घुमाऊंगा ना अपनी गाड़ी पे तभी देखो। अब यार बंदा तो इजी स्पॉट हो चुका है, लेकिन अब बारी थी भैया इस ग्लाइडर को उतारने की, जो कि मैं बिल्कुल नहीं कर पाता। मैं यहाँ पे फुल ट्राई करता हूँ कि भैया ये नीचे उतर जाए, मतलब डिजाइन पता नहीं क्या कर दिया मैंने, लेकिन भाई साहब ये उतरता ही नहीं, और ऊपर से फ्यूल और खत्म तो मेरे कंट्रोल के बिल्कुल बाहर। और इसी बीच देखो मैं क्या कर देता हूँ ये। भाई हम दोनों ही खत्म, और इजी चिकन मिल गया उस बंदे को, मतलब सही में यार क्या ही बोलूं। बट नेवर माइंड गाइस, तुम्हें ऐसा गेम पे लगा कैसा वो तुम जरूर बताना कमेंट करके, और अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक तो बनता है। बाकी अभी के लिए मैं चलता हूँ, मिलो कल फिर से। बाय गाइस, लव यू, स्टे सेफ गाइस, कीप सपोर्ट।